ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੱਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ये कोई होर है जी, फुलां वाला बूटा, फुलां वाला दरख्त, इत्ते मक्खियां बहुत बैठिया ने जी, हनी बीज। अच्छा जी, हुण जो खास जानकारी सी उहदी गल करते हाँ, ये दसो जंड ते जंडी च की फर्क होंदा जी? नहीं पता, मैनू भी नहीं पता सी, इत्थों दे ही गाइड ने इस गल बारे चानना पाया। थोड़ा गौर करियो जी इस बूटे ते, इहदा आपां थोड़ा जूम करके देखते हाँ, इहदे कंडियां ते गौर करियो, जिहड़े कंडे ने जी, इहदे कंडे आमू सामने हुंदे ने, आ देखो आमू सामने कंडे ने जी। इह हुंदा है जंड दा बूटा, ते जो जंडी हुंदी है जी उहदे कंडे लगदे तां नहीं, पर उह कंडे नहीं हुंदे, उहनां तों ही अगे टाणियां बन जांदे। हाँ जी, अगे जो आपां नज़र आ रहा जी, ये है अपने, आपां नूं होर दरख्त नज़र आ रहे ने जी, आ शायद हनेरी वगैरह दा टुट गया होएगा टाणा, फिर दोबारा तो दरख्त उगया जी। तो इस तरीके नाल आ देखो किक्कर दा बूटा, किक्करां भी काफ़ी इत्थे तुहानूं मिल जाणगियां। किक्करां तों अगे जी आपां देखदे हाँ होर जिहड़े बूटे आपां नूं नज़र आउणगे। ये भी कोई अलग प्रजाति है जी, कोई झाड़ी नुमा है ये दरख्त। तो इधर देखो फिर अक लग्या होया है जी, अक के बूटे तो कुदरती तौर पर इतने उगे ने, घट ही उगाए गए ने, क्योंकि अक का जो बीज है वो काफ़ी दूर ट्रैवल कर सकता है, काफ़ी दूर सफ़र कर सकता है। हाँ जी, शुरू करते हैं टापू देखने का सफ़र। आ देखो नाल निम दा दरख्त आ गया, तो इस तो बाद ये टापू आईलैंड कह लो, छोटा जा आईलैंड या छप्पड़ भी कह सकते हैं, तो यह मैनमेड ही है। वैसे तो देखो तुहानू कई तरह के इत्थे नज़र आउणगे बूटे। ये है जी फोहर की ही कोई किस्म, कैक्टस जी कह दें, तो बाकी कैक्टस में फुल भी लगे हुए ने, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਤਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸ਼ੇਰਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਤਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੱਤਕਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੋਹਰ ਕੈਕਟਸ,